आज भी लेट? मान्या उठो, पता है ना टाइम पर जगना कितना इम्पोर्टेंट है। आज मुझे ठीक नहीं लग रहा मम्मी। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो उठो, रेडी हो एंड गो टू स्कूल। पर मम्मा, बोला ना, ये आजकल के बच्चे भी ना। देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। बेटा हम बाहर होकर आते हैं। मम्मा मुझे भी जाना है। नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। मुझे भी ले चलो। ये लो फोन, ये यूज करो, हम आ जाएंगे जल्दी। ये तो है सर्दी में धूप की किरने, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाइए तारे जमीन पर। कुछ पढ़ाई नहीं की तुमने? पूरे टाइम बस मोबाइल मोबाइल। वो इसलिए दिया था कि मन लगे, ऐसा नहीं कि पढ़ाई ही ना करो। आज के बाद नो फोन, चलो पढ़ो। लेकिन ना। नो, जस्ट गो। इस बार फर्स्ट आना ही है तुम्हें, कोई भी बच्चा तुमसे आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हॉस्टल में डाल देंगे तुम्हें, आजकल के बच्चे भी ना। तुम अच्छा नहीं कर रही हो, कहीं ध्यान नहीं है तुम्हारा, ना पढ़ाई में ना किसी एक्टिविटी में, खाना भी नहीं, चिड़चिड़ी भी हो गई हो। इस सब से तुम्हारी लाइफ में कभी तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, समझी? अब पनिशमेंट देना होगा, सब एक्टिविटी बंद, मोबाइल भी बंद, चलो अब हॉस्टल। नहीं माँ। नहीं, जाना ही पड़ेगा, आजकल के बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रेत बने हाथों से यूं बह गए, तकदीर मेरी बिखरी हर जगह, कैसे लिखूं फिर से नई दास्तां, गम की स्याही दिखती है कहां। ऐसी भी हुई थी मुझसे क्या
बच्चे भविष्य है, उनकी ग्रोथ सही तरीके से करना जरूरी है और उसी के साथ उनको समझना जरूरी है। आज वो मोबाइल कंपटीशन जैसी रेस एंड एक्टिविटी में शामिल हैं, क्योंकि हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। हमारे भविष्य के लिए हमें खुद को उनके लिए बदलना होगा। मैं जागूं।